तो आज हमारी किचन में मज़ेदार डोमिनो स्टाइल पिज्ज़ा तैयार हो रहा है। रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे डोमिनो स्टाइल तंदूरी चिकन पिज्ज़ा। तो उसमें जो हमें अज्जा दरकार है, उसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने चीनी डाली है पिसी हुई, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ईस्ट, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, 2 टेबलस्पून खुश्क दूध। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। अच्छी तरह से हम डो को गूंध लेंगे। कितना अच्छा हमारा डो गूंध गया है। अब मैं इसको रख दूंगी आधे घंटे के लिए राइस होने के लिए। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा दूंगी और इसको ढाँप के मैं रख दूंगी। फ्रिज में नहीं रखूंगी, बाहर ही रखूंगी। तो इतनी देर में, जितनी देर में ये राइस होता है, इतनी देर में हम चिकन तैयार कर लेते हैं। फ्राई पैन में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। डाइस कटिंग में जो है ना, मैंने चिकन काट लिया है। मैंने 1 कप से कम लिया है चिकन, ठीक है। ये इसमें मैंने डाला। चिकन को थोड़ा हम फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई हो गई है, इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें मैं पेपरिका पाउडर डाल दूँगी। 1/4 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। बस तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाला है। थोड़ा सा इसको मैं पकाऊंगी। 1 चुटकी इसमें मैंने जर्दे का रंग डाला है ताकि इससे अच्छा सा कलर आ जाए चिकन में। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद इसमें मैंने चिली सॉस ऐड किया है, 1 टेबलस्पून, और मिक्स हर्ब इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून। तो चिकन हमारी तैयार है, फ्लेम कर दिया मैंने बंद। कोयला रख के और हमने इसको ढक दिया। चिकन भी हमारी तैयार है। तो अब हम बना लेते हैं पिज्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने चिली गार्लिक केचप लिया है 4 टेबलस्पून और इसमें मैंने डाला है 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी ज़ीरा पाउडर, 1 चुटकी पिसी हुई धनिया और 1/2 टीस्पून ओरिगानो, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और बहुत ज़बरदस्त, बाज़ार से भी अच्छा पिज़्ज़ा सॉस हमारा तैयार हो गया। 15 मिनट बाद देखें कितना अच्छा ये राइस हो गया है। इसको हम एक दफ़ा और गून के इसको दोबारा रखेंगे 15 मिनट के लिए। पिज़्ज़े का डो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। गूनने के बाद इसमें फिर थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसको 15 मिनट के लिए और रखूँगी। पैन में मैंने ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा इसमें मैंने मैदा छिड़क दिया है। 15 मिनट बाद देखें कितना अच्छा ये राइस हो गया है। इसको एक दफ़ा और मुक्कियाँ दे लूँगी मैं। अब इसको मैं बेल लूँगी। इसको बेलने के बाद मैंने प्लेट में रख दिया है सांचे में।
अच्छी तरह से सेट कर लें पिज़्ज़ा के सांचे में। ठीक है, इसके साइज़ का मैंने कर लिया है। इसमें मैं लगाऊंगी कांटे के ज़रिए सुराख कर लेंगे। इससे जो डो है ये फूलता नहीं है, वरना फूल जाता है डो। अब हमने जो सॉस बना के रखा था वो लगाएंगे इसमें। अब मैंने इसमें चीज़ डाला। चीज़ डालने के बाद इसमें तंदूरी चिकन जो मैंने बना के रखा है ये रखेंगे। थोड़ा चीज़ और डालेंगे। अब इसको अच्छा सा मैं डेकोरेट कर लूँगी। मशरूम डालेंगे। प्याज डालेंगे। थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दी ऊपर से। एक चुटकी मैंने इसमें ओरिगानो ऊपर से स्प्रेड कर दिया। देगची में बनाएंगे हम ये पिज़्ज़ा। तो देगची को मैंने 10 से 15 मिनट पहले गरम करने के लिए रख दिया है ताकि वो प्रीहीट हो जाए। तो अब हम इसको पिज़्ज़ा को रखेंगे। पतीली अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया है और इसके अंदर मैंने रख लिया एक स्टैन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं रखूँगी पिज़्ज़ा। और रखने के बाद इसको अच्छी तरह से बंद कर दूँगी ताकि पिज़्ज़ा हमारा अच्छी तरह पक जाए। तो फिर हम पिज़्ज़ा पक जाने के बाद आपसे मिलते हैं। 20 से 25 मिनट गुजर गया है। ज़बरदस्त, कितना शानदार पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। तो मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। तो लीजिए, तैयार है मज़ेदार डोमिनो स्टाइल तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।